हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पंच कार्ड के बारे में बताएंगे। ये देखो, ये पंचिंग मशीन है और ये हमारा कार्ड है। इसको कैसे पंच करते हैं आज मैं ये डिज़ाइन पंच करने के बाद आपको बॉर्डर में बना के बताऊंगी, ठीक है। ये देखो, ये वाला पैटर्न बनाना है हमने, ठीक है। तो ये देखो, हमने जैसे ठीक है तीन होल कर लिए थे, उसके बाद हमने दो छोड़ के फिर एक होल करना, फिर एक दो छोड़ के फिर सात होल करने, ठीक है, फिर दो छोड़ के एक, ठीक, फिर दो छोड़ के चार, ठीक है, काउंट कर लो ऐसे, फिर दो छोड़ के यहाँ पे चार करेंगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे हम इसको पंच करते जाएंगे। ठीक है, पहले हम ऊपर तक कवर कर लेंगे ना इसको, एक एक जगह, फिर करेंगे आगे ऐसे, ठीक है। ऐसे फिर एक के ऊपर तीन, फिर एक राइट साइड को पड़ेगा, एक लेफ्ट साइड को, और बीच में खाली रहेगा, यानी कि दो दो, ठीक है। इस तरह से होल करेंगे ऐसे, ठीक है। ये देखो, इस साइड को बढ़ा दिया हमने, ठीक है, यानी कि बीच में जो बिना होल किए हैं ना, तो वो रहेंगे हमारे एक, तीन के ऊपर फिर एक, और फिर से दोबारा वही जैसे नीचे किया है ना, तीन फिर एक, इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। ये देखो तीन, ठीक है, इसके ऊपर एक हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद आगे बनाएंगे हम ये, जैसे इसमें सात है ना नीचे, इसके ऊपर पांच, यानी कि ये घटते जाएंगे, फिर तीन, इसके ऊपर तीन, एक दो तीन, ठीक है, फिर एक, फिर इसके ऊपर बढ़ाते जाएंगे, तीन, एक दो तीन, ठीक है, फिर इसके ऊपर पाँच, एक दो पाँच, ठीक है, अब इसके ऊपर सात, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे ये बीच में बना है ना, वैसे बनाएंगे यहाँ पे भी, एक के ऊपर तीन ऐसे, फिर एक एक साइड साइड को, लेफ्ट साइड और राइट साइड को बढ़ जाएगा, इनकी दो दो करेंगे, इधर बीच में एक खाली रहेगा, फिर एक बीच में खाली है तो उसकी तीन करेंगे खाली, बाकी एक एक साइड में बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। फिर जब तीन खाली होते हैं ना बीच में, तो फिर ऊपर फिर हमने वापस कर देना, फिर से एक खाली रखना ऐसे अंदर को, ठीक है, ये एक और बीच में खाली, ठीक है। अब जो हम खाली है उसके ऊपर एक, फिर एक इर्द गिर्द, ठीक है, ऐसे लेफ्ट है ऐसे, एक हो गया ना, तीन के ऊपर फिर एक, ठीक है। उसके बाद इसको लास्ट का ये भी करते जाएंगे, पहले फिर एक आएगा, फिर एक का तीन बनेगा, और तीन का चार बनेगा, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपको इसको मशीन में लगा के और बॉर्डर में बना के बताती हूँ, इस तरह से, ठीक है। ये देखो, हमने ये लगा लिया, ये कार्ड हमने ये बॉर्डर के लिए कुंडे लगा लिए, ठीक है। इसमें मैं 14 सिलाई लगाऊंगी, फिर ट्रांसफर टूल से एक एक का ट्रांसफर करेंगे, जैसे एक कुंडा छोड़ के इस तरह से, ठीक है, ऐसे ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब एक सिलाई हम
खाली ऐसे करेंगे, ऐसे लाएंगे। अब जो पीछे की नीडल है उसको आगे कर देंगे ऐसे, फिर दो सिलाई लगा ली, ठीक है। फिर कार्ड सेट करेंगे हम, देखो ये हमारा कार्ड है, ये डिज़ाइन जो हमने पंच करके बनाया है अभी, ठीक है, पंचिंग मशीन से। तो ये देखो हमने लगा दिया, ठीक है। ये देखो डिज़ाइन स्टार्ट हो गया, 7 सिलाई का तो डिज़ाइन है ये कुल ऐसे, ठीक है। ऑफ वाइट लगा लिया हमने गाजरी में ऐसे, बहुत सुंदर डिज़ाइन है ये। बॉर्डर में बना लो आप, कुर्ती के बॉर्डर बनते हैं ना, और कुर्ती के अगर ऐसे भी डालना चाहो तो ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है ये पैटर्न, ठीक है। ये देखो सिलाई कंप्लीट होगी, इसमें हमने कुछ प्लेन लगा ली ऊपर। और ये देखो हम इसको फोल्ड करके अभी बताती हूँ मैं कैसे बना है ये, इस तरह से। रॉड डालने का ये फायदा होता है ना कि कुंडे बराबर लग जाते हैं, मतलब दोबारा दोबारा एक एक कुंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। देखो ना पूरे कुंडे आ गए हैं, इसमें एक आधा छूट जाता है, वो आप ट्रांसफर से उठा सकते हो, ठीक है। अब देखो नंबर बढ़ा दिया हमने, हम थोड़ी सिलाई लगाने के बाद इसको बताते हैं कैसे बन के आया ये वाला डिजाइन, ठीक है। इसको मैंने दो तरह से बनाया है ना, ठीक है। ये देखो हमने निकाल दिया, तो ये देखो ये वाला पैटर्न कितना सुंदर है, देखो बॉर्डर के लिए बहुत सुंदर है ये, कुट्टी में डालो आप जैसे मर्जी, बहुत सुंदर डिजाइन है ये, ठीक है, लेस टाइप में बन के आता है। अब इसी का दूसरी तरह से मैं बना के और बताऊंगी कि ये और किस तरह से बना सकते हो आप, ठीक है। ये देखो हमने कुंडे लगा लिए, फिर हमने 14 सिलाई लगा ली थी 8 नंबर पे। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे ऐसे, एक कुंडा दूसरे में डालते हुए ऐसे, ठीक है। इस तरह से अब हम एक सिलाई लगाएंगे, और फिर लगा ली हमने एक सिलाई जैसे, तो फिर आगे कर लिए हमने ये कुंडे, और हम एक सिलाई लगा ली हमने। अब हम जैसे दूसरा धागा है ना हमारे पास ऑफ वाइट, इसको चेंज करके ये लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे एक, अब हम डिजाइन डालेंगे, ठीक है। देखो कितना सुंदर बन के आएगा ये वाला भी, ठीक है। डिजाइन सेट कर लिया, अब हम ये डिजाइन डालेंगे, ठीक है। हमने ये गाजरी धागा लगा लिया, अब हम इस डिजाइन को कंटिन्यू बनाएंगे, ठीक है। ये देखो डिजाइन यहाँ तक हो गया हमारा। अब एक दो सिलाई लगाने के बाद हम ये धागा दोबारा से डाल लेंगे गाजरी वाला, ठीक है। इस तरह से अब वेट निकाल लो, पीछे से एक एक नीडल छोड़ के नीडल निकाल ली। अब रॉड लगाएंगे इस तरह से, और ये नीचे के कुंडे सारे डाल देंगे ऊपर, इसको फोल्ड कर देंगे मतलब, ठीक है। जैसे एक ही कुंडा छूटता है ज़्यादा ज़्यादा ना, इसको डाल लो साइड का, और फिर सिलाई लगा लो, ठीक है। अब थोड़ी सिलाई लगाने के बाद अब मैं बताती हूँ कैसे बन के आया, ठीक है। ये देखो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन के आया, देखो कितना यूनिक अलग सा डिजाइन बना है, कितना सुंदर है ये, ठीक है। मैं आपको दूसरा भी बताती हूँ जो हमने पहले बनाया था पैटर्न, ये देखो, ठीक है। ये देखो कितने सुंदर पैटर्न बने हैं ये ना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।